सो फाइनली विंटर सीजन ऑन हो चुका है। अगर आप लोगों ने स्नोफॉल देखनी है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रही है, अगर ऐसे तरह की स्नोफॉल आप देखना चाहते हो तो आप लोग अभी पटिटॉप विजिट कर सकते हो बहुत आराम से। और ये अभी कम स्नोफॉल है, अगर आप थोड़ा और लेट आओगे तो और ज़्यादा स्नोफॉल होगी। और स्नोफॉल के लिए बेस्ट जगह है, कम मज़ा करने के लिए बहुत सही जगह है आई। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर पटिटॉप आओ और इन्जॉय करो अच्छे से। और सनासर वाली साइड ज़्यादा बर्फ़ है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं नथा टॉप से इस तरफ आया तो सनासर वाली साइड ज़्यादा बर्फ़ लग रही है। तो इसी के साथ अब आप कीजिए ये वीडियो इन्जॉय, लेट्स गो। ओ वहाँ बर्फ पड़ी है। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free. कहाँ से है, डेढ़ सेकंड है हमारा नथा टॉप से, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा नथा टॉप। नहीं दिख रहा, वाइट हो गया, कोई बात नहीं, अब दिखा नथा टॉप। तो फाइनली अभी हमने क्या किया, अभी हमने बनाया है स्नोमैन। तो बर्फ़ पड़ी हुई है, जैसा कि आपको बैक कैमरा से मैं व्यू दिखाता हूँ, पर पहले आपको स्नोमैन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्लेजिंग भी की, मज़ा आ रहा था आइस में, बड़ा ज़बरदस्त। और अभी स्नोमैन हमने बना दिया है। फोटो यहाँ से अच्छी नहीं आ रही है, तो इसकी हम मुंडी घुमा के तोड़ देते हैं। तो हमारे भाई अभी इसकी घुमा दे, भाई तोड़ो सर, तोड़ दे सर। और देखिए स्नोमैन एंगल दूसरी तरफ आ गया, लो परफेक्शन है भाई। हमें सर की गिर भी सकती, थोड़ा सा ब्रो इधर डायरेक्शन दे। ओ नहीं नहीं नहीं, कर गिर जाएगी भाई, गिर जाएगी, मत कर। तो फाइनली आफ्टर किलिंग अवर, जो उन्होंने स्नोमैन जो उन्होंने मार दिए, देखिए अब मम्मी भी ले जंदे ओ मेरे बच्चे रहिए गल्ले गल्ले जलिए मारियो ना मारियो ओके की तो काके जटिए जलिए निका मुड़ा बड़े
चिंता रखी है। तो अभी हम लोग कहेंगे स्नो बाइक स्नो एरिया पकड़ लो ना, वो है ना तेरे दिल फाइनली जो सनासर की तरफ रोड जाता है हम उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये फाउंटेन जैसा मिला। ये देखो यार पूरी बर्फ जम चुकी है। ओ भाई साहब पानी जम चुका है और आगे व्यू दिखा रहा हूँ भाई। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और जो स्नोफॉल अभी पड़ रहा है ना जिस हिसाब से, ये कम भी 7 से 8 दिन पुरानी बर्फ़ है जैसे कि आपको दिख रहा हो तो एक चीज़ आपको बता दूं, नोट करके लिख लो, थोड़ा सा भी लेट अगर आपने किया जैसे भी दिसंबर की अच्छी खासी सर्दी होने लग जाएगी जैसे ही यहाँ पे, तो ये पूरी तरह बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाइट पे काफ़ी 5-5, 6-6 इससे भी ज़्यादा हाइट पे बर्फ़ जाती है। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर से आते हैं जहाँ पे घूमने के लिए, तो आप लोग जल्दी विज़िट कर लोगे तो अच्छा होगा। क्योंकि हाँ आप पत्नीटॉप जा सकते हो, फिर सनासर वाला रोड बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई होगी, फिर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो आप पत्नीटॉप इन्जॉय कर पाओगे। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो इसी दिसंबर के मंथ में आप आओ, और वेदर ऐसे गूगल सब बताता है, वेदर फोरकास्ट पे आप देख के आ सकते हो कि क्या हिसाब चल रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं शानदार से व्यू, लेट्स गो। बात कर रहा था आपको नथा टॉप का जो व्यू दिखाने के लिए, तो ये रहा मेरे पीछे, ये रहा नथा टॉप पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बर्फ़ होने वाली है तो एक्साइटेड रहिए। ये वाला मुझे लगता है एरिया ब्लॉक हो जाता है जब ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, तो आप देख लीजिए आपने कब तक आना है। और ये हमारी पार्टी और ये हमारी बंदो काफ़ी
अच्छा साथ दिया इसने हमारा, कोई तंग नहीं किया।